हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया वीडियो, मैंने अभी बनाया है। तो गाइस, याद से मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस तरह लिंक में जाइए और इस तरह से लाइक करिए और सब्सक्राइब बटन है ना, उसको दबाइए। बिल्कुल ही फ्री है, एक ही बार कर सकते हैं आप सब। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल में, अगर आप सब नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पुराने हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सूजी का बहुत ही हेल्दी नाश्ता मैं बनाने वाली हूँ, बहुत आसान तरीके से, नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स से। तो आप लोग भी देखें और बनाएं घर पे, बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। तो मैंने लिया है लहसुन 5-6 कलियाँ, आपके पास 5-6 हैं जितना है ले सकते हैं। तो उसको लेके मैंने छील लिया है, छिलके निकाल दिए हैं। और छिलके निकाल के मैं इसको बारीक ऐसे कट कर रही हूँ, बारीक एकदम महीन कट कर लेना है। अगर एकदम महीन नहीं कट होता है तो इसको कूट लेंगे हम। और मैंने थोड़े से धनिया मेरे पास पड़ी हुई थी तो धनिया लिया है मैंने, धनिया पत्ता, अब उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। तो लहसुन को मैं इस तरह से एकदम महीन चॉप कर रही हूँ, अगर नहीं हो सकेगा तो मैं इसको कूट लूँगी ताकि बारीक हो सके। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है सभी को, उतना बारीक नहीं हुआ है। तो मैं इसको क्या करने वाली हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कूट लूँगी। और मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज आलू, इसको उबाल लिया मैंने, उबाल के छिलके निकाल दिए इसके। और इसको मैं इस तरह से मसल रही हूँ हाथ से, ऐसे मसल लेना है हाथों से। ये देखिए इस तरह से तैयार हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैंने 2 टीस्पून बटर डाला है और इसमें डाला है कूटी हुई गार्लिक लहसुन। अब इसको मैं लो टू मीडियम में ही पकाना है गाइस, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, वरना अगर जल गया तो हमारा सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा नाश्ते का, फिर हमें इस तरह से चलाते रहना है। ये देखिए इस तरह से हमें चलाना है। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स हम घर पे बना सकते हैं, जो लाल सूखी मिर्ची होती है ना उसको हम कूट लेंगे तो चिली फ्लेक्स बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाता है। गाइस मेरे चैनल को लाइक करें, बिल्कुल ही ना भूलें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो देखिए इस तरह से अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सूजी, आधी कटोरी है ये, देखिए इसको 1 से 2 मिनट तक ही हमें चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है, भूनना है। ये देखिए इस तरह से हमें लो टू मीडियम में पकाना है, चारों तरफ से इस तरह से हमें चला लेना है ताकि लगे ना। इसमें मैंने ऐड किया है पानी, 1 से 2 कप पानी ऐड किया है। अब इसको मैं इस तरह से चला लेंगे, इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ मैं। देखिए इस तरह से हमें चला लेना है। इसको तब तक चलाना है जब तक ये सूख न जाए, गाढ़ा आटे की तरह हो जाना चाहिए। तो इसको चलाते रहना है, ये देखिए पानी सूख रहा है इसका। इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ आलू, जो मैश किया था ना मैंने, उसी को मैं ऐड कर रही हूँ, देखिए इस तरह से। और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये देखिए इस तरह से हमें। और इसको पूरा सुखा देना है पानी, बिल्कुल आटे का डो बना लेना है हमें। ऐसे चलाते रहना है लो टू मीडियम में, ये देखिए इस तरह से हो चुका है। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं धनिया, धनिया पत्ता जो मैंने बारीक कट कर लिया है, इस तरह से इसको भी मिक्स कर देना है हमें। ये देखिए इस तरह से हमारा बैटर तैयार हो चुका है। मैंने फ्लेम को कर दिया है बंद और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे हम।
ठंडा होने के बाद इस तरह हो गया है ये। अब इसकी जैसे रोटियां बनाते ना उस तरह से गोलियां निकाल लेनी है, और जैसा साइज चाहें वैसा आप साइज बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, लंबा बना सकते हैं, चौकोर बना सकते हैं। मैं इस तरह से बना रही हूँ, तो सभी को इस तरह से बना लेना है। एक एक करके सभी को तैयार कर लेना है। ठीक है, इस तरह से हमें सभी को हमें बना लेना है। उम्मीद करती हूँ मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिल्कुल ही ना भूलें मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ही ना जाएं। सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। अब हमने लिया एक तवा, उसमें लगाया है ऑयल, अब इसको सेलो फ्राई करेंगे हम, एक एक करके इस तवे में रखेंगे। चार पांच मैं एक साथ रखूंगी। ये देखिए इस तरह से हमें रख देना है और लो टू मीडियम में ही पकाना है। बहुत आसान तरीके से झटपट से बन जाता है, बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता है गाइस। तो इस तरह से हमें चार से पांच मैं रखने वाली हूँ इसमें। ये देखिए इस तरह से मैंने रख दिया है। और मैं अब क्या करने वाली हूँ, इसमें लगाने वाली हूँ घी, घी या बटर ऐसे ऊपर से लगा दें। ये देखिए अच्छी तरह से लगा दें। फिर इसको क्या करना है, अपने को लो टू मीडियम में देखते रहना है, फिर स्लो स्लो करके धीरे धीरे इसको पलटना है। ये देखिए पलट नहीं पा रहा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ इसको पलटने की। इस तरह से एक एक करके लेके पलट देना है। वैसे तो ऑलरेडी पका हुआ है हमारा, अब इसको थोड़ा सा क्रंची करना है। क्रंची हो जाएगा तो और टेस्ट आएगा, तो बस थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही हमें पलट देना है। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ हमें पका लेना है। सभी को एक एक करके पकड़ के ऐसे उंगलियों की सहायता से या फिर स्पून की सहायता से पलट देना है। देखिए मैं इसको बीच वाले को पलट रही हूँ, ऐसे आराम से पलटना है क्योंकि इसका शेप जो है ख़राब हो जाएगा। इस तरह से हमें पलट देना है, बहुत ही गर्म है गाइस। फिर और इस तरह से हमें चारों कोनों को पका लेना है। ये देखिए इस तरह से खड़ा करके ऐसे पलट पलट के हमें पकाना है सभी को। फिर इसमें थोड़ा सा एक कोटिंग और करेंगे, थोड़ा सा घी लगाएंगे ऐसे, बहुत टेस्टी आएगा गाइस। घी या बटर लगा के इसको पूरा ऐसे सेलो फ्राई करें, बहुत टेस्टी बनने वाला है ये नाश्ता। ये देखिए गाइस मेरा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है, बहुत टेस्टी आया है, मेरे बच्चों ने खाया है और मैं भी इसको चेक करूँगी अब। तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कितना क्रंची बना हुआ है नाश्ता, अब बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोग भी बनाइए घर पे, बहुत आसान तरीके से बन जाता है। मैंने बताया इसमें ज़्यादा सब्जियाँ भी नहीं लगती हैं, कुछ सामान नहीं है, आपके नॉर्मल घर के सामान से बन जाता है। और गाइस मेरे चैनल को ढेर सारा लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड में और सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और मुझे सपोर्ट करें। तो गाइस इस तरह से मेरे लिंक में जाइए आप लोग, याद से लिंक में जाके, मैंने फेसबुक में डाल रखा है अपना लिंक, तो जाइए और लाइक करिए, इस तरह से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
और मुझे सपोर्ट करें।